अस्सलाम वालेकुम गाइस, उम्मीद करता हूँ सब ठीक ठाक होंगे, खैर आफियत से होंगे। तो आज के अपनी इस वीडियो में हम जिस शेयर को डिस्कस करने वाले हैं वो है पाकिस्तान ऑयल फील्ड्स लिमिटेड, POL यानी के पोल। POL पर आई थिंक सो मैंने दो वीडियोस पहले बनाई हैं, एक मेरे ख्याल में अपडेट थी प्रीवियस वीडियो की और एक मेरी फ़र्स्ट वीडियो थी। अगर किसी भाई ने इससे पहले वाली हमारी वीडियो जो कि हम आज बना रहे हैं, इससे जो हमने पहली एक वीडियो बनाई थी वो अगर किसी भाई ने नहीं देखी तो काइंडली वो जाकर वो वीडियो देख लें, क्योंकि उसी वीडियो में जो हमने पॉइंट ऑफ व्यू आप लोगों के साथ शेयर किया था उसकी अपडेट भी होगी इस वीडियो में और उसका एक फॉलोअप भी हम करेंगे। तो ये इस वक्त आप लोगों के सामने पोल का जो है वो डेली टाइम फ्रेम ओपन है। तो सबसे पहले हमने जो इसका प्रीवियस एनालिसिस किया था वो मैं आप लोगों के साथ डिस्कस कर लेता हूँ कि ये जो आपको एक ग्रीन कैंडल नज़र आ रही है, जब हम अपनी प्रीवियस वीडियो बना रहे थे तब मार्केट जो है इस एरिया पर ठहरी हुई थी। तो हमने इसमें से जो पॉइंट ऑफ व्यू अपना आप लोगों के साथ शेयर किया था उस वीडियो में वो ये था, जो हमारा एक सिनेरियो था उस वीडियो में वो ये था कि हमने ये चीज़ डिस्कस की थी कि इस एरिया से जो है ये इस 436 या 440 रुपीस तक जो है ये पोल जाएगा और फिर यहाँ से दोबारा डाउनसाइड की तरफ आएगा। ये जस्ट एक ही सिनेरियो मैंने उस वीडियो में आप लोगों के साथ डिस्कस किया था। तो आप लोगों के सामने है कि अल्हम्दुलिल्लाह पोल ने जो है हमारी प्रीवियस प्रिडिक्शन को हूबहू फॉलो किया और इस 424 रुपीस से जो है ये सीधा 436 और 440 रुपीज़ तक गया और फिर यहाँ से हमने इसमें ये चीज़ एनालाइज़ की थी कि ये 436 से 440 रुपीज़ का जो इसका काफ़ी स्ट्रांग एक रेजिस्टेंस जोन है, हमने ये कहा था कि इस जोन से जो है ये दोबारा डाउनसाइड की तरफ आएगा, जो कि ये आया। अच्छा जी, तो अब प्रीवियस प्रिडिक्शन तो पोल ने जो है हमारी फॉलो कर दी। अब बात यह है कि पोल में से जो है हम नियर फ्यूचर कैसी मूव एक्सपेक्ट कर सकते हैं। तो सबसे पहले इसमें जो कुछ लेवल्स बन रहे हैं वो मैं आप लोगों के साथ डिस्कस कर लेता हूं और इसका जो एक ओवरऑल स्ट्रक्चर बना हुआ है इसको भी आप लोगों के साथ जो है वो डिस्कस करते हैं। तो इसमें 436 से 440 रुपीज़ का एक काफ़ी स्ट्रांग रेजिस्टेंस जोन जनरेट हो रहा है, जो कि प्रीवियस वीडियो वाला है, प्रीवियस वीडियो में भी हमारा यही रेजिस्टेंस था। इसी तरह इसमें 390 रुपीज़ का जो है वो काफ़ी स्ट्रांग सपोर्ट जनरेट हो रहा है, ये भी प्रीवियस वीडियो वाला सपोर्ट ही है। जस्ट एक चीज़ जो इसमें एक नई बन रही है वो ये अपर ट्रेंड लाइन है जो कि मैंने अभी ड्रा की है। इस ट्रेंड लाइन को आई थिंक सो 3 to 4 टाइम्स जो है पोल के चार्ट ने काफ़ी स्ट्रांगली एज अ रेजिस्टेंस रेस्पेक्ट किया है और कल की क्लोजिंग यानी कि जो ये आज की कैंडल है और ये कल की कैंडल है, अगर आप लोग कल की कैंडल देखें तो आपको एक काफ़ी स्ट्रांग रिजेक्शन इसी ट्रेंड लाइन से जो है नज़र आ रही है। तो इस हिसाब से ये जो इसकी ट्रेंड लाइन है 436 से पहले इसमें जो एक सबसे स्ट्रांग रेजिस्टेंस जनरेट हो रहा है वो ये ट्रेंड लाइन भी बन सकती है इन फ्यूचर, अगर ये दोबारा इस ट्रेंड लाइन तक जाता है तो। इसी तरह मैंने अपनी प्रीवियस वीडियो में ये चीज़ भी डिस्कस की थी कि पोल ने जो है इस वक्त अपनी एक रेंज बनाई हुई है 390 से 436 या 440 रुपीज़ की और ये ज़्यादातर जो कोशिश करेगा वो ख़ुद को जो है इसी रेंज में मेंटेन रखने की ही कोशिश करेगा। इसी तरह ये तो हो गई इसके मेजर लेवल यानी 390 वाला और 436 से 440 वाला, लेकिन इस रेंज के अंदर भी कुछ लेवल जो है वो बन रहे हैं जो कि मैं आप लोगों के साथ डिस्कस करना चाहता हूँ। उसमें से एक लेवल तो इसका ये 400 से 402 रुपीज़ वाला सपोर्ट है जो कि मैंने आप लोगों के सामने अभी ड्रा किया है, इसका मैंने फिगर लिखा नहीं बट आप लोगों ने अपने माइंड में रखना है कि ये 402 रुपीज़ वाला जो इसका लेवल है यहाँ से भी पोल जो है वो सपोर्ट ले सकता है। अच्छा, उसके अलावा एक चीज़ और जो पोल में बनती मुझे नज़र आ रही है वो ये है कि अगर आप लोग इसका ये स्ट्रक्चर देखें तो अगर ये 390 रुपीज़ वाला लेवल इन फ्यूचर ब्रेक कर देता है तो फिर आप जो है इसको एक हेड एंड शोल्डर पैटर्न भी कंसीडर कर सकते हैं कि ये फिर हेड एंड शोल्डर पैटर्न बनकर और इसकी जो नेक लाइन है 390 रुपीज़ वाली ये इसकी ब्रेक करके और फिर यहाँ से इसको जो है ये एज अ रेजिस्टेंस रिस्पेक्ट करेगा और फिर ये डाउनसाइड की तरफ आएगा। बट ये एक लॉन्ग टर्म का प्रोसेस है, एक सिनेरियो है जो कि मैं आप लोगों तक पहुँचाना चाहता था, लेकिन हम शॉर्ट टर्म में चले जाते हैं। तो लॉन्ग स्टोरी शॉर्ट, पोल में से जो एक मूव हम एक्सपेक्ट कर रहे हैं वो ये है कि अगर आप इस ट्रेंड लाइन पर इसकी रिजेक्शन देखें तो यहाँ पर ये कैंडल जो बनी हुई आपको नज़र आ रही है सेम इसी तरह ही इसने एक इन्वर्टेड हैमर टाइप कैंडलस्टिक यहाँ पर भी बनाई है इसको टच करने के बाद। तो मेरे ख़्याल से इस हैमर के बाद जो इसने ये कैंडलस्टिक पैटर्न बनाया है ये इस हैमर की
कंटिन्यूएशन आप समझ लें, इसकी कन्फर्मेशन समझ लें, तो मेरे ख्याल से 419 रुपीज़ से मैं इसको एक्सपेक्ट कर रहा हूँ 400 रुपीज़ तक, या फिर अगर ये इस 400 रुपीज़ को होल्ड नहीं करता तो फिर मैं इसको 390 रुपीज़ तक एक्सपेक्ट कर रहा हूँ। ये इसमें एक सीन बनने के चांसेस हैं, फिर यहाँ से भी आपको एक अपसाइड की मूव मिल सकती है, प्लस यहाँ से भी यानी 390 रुपीज़ वाले लेवल से भी आपको एक जो है अपसाइड की मूव देखने को मिल सकती है। ये तो हो गया इसका एक सिनेरियो। इसी तरह इसमें जो एक सेकंड सीन बनने के चांसेस हैं वो ये है कि अगर 419 रुपीज़ से ये दोबारा हमें अपसाइड की मूव दिखाता है तो मेरे ख्याल से इस ट्रेंड लाइन को इसको ब्रेक नहीं करना चाहिए, बल्कि इस ट्रेंड लाइन तक जाकर इस ट्रेंड लाइन पर हमें रिजेक्शन नज़र आएगी और दोबारा जो है ये इस 400 या फिर इस 390 रुपीज़ के लेवल तक आ सकता है, कम अज़ कम इसके बाद यानी इस ट्रेंड लाइन को टच करने के बाद। ठीक हो गया, अब मैं जल्दी से इनके ट्रेड प्लान्स आप लोगों के साथ डिस्कस कर लेता हूँ कि से फॉर एग्जांपल अगर आप इस रेड एरो वाले सिनेरियो के साथ जाते हैं तो आप लोगों ने इसमें वेट करना है, अगर ये इस ट्रेंड लाइन तक आता है तो इस ट्रेंड लाइन पर आप लोगों ने इसको शॉर्ट सेल करना है। आप लोगों का जो स्टॉप लॉस होगा वो कम अज़ कम 10 to 15 रुपीज़ का होगा, क्योंकि ये शेयर काफ़ी बड़ा है तो इसमें जो लिक्विडिटी होगी उस लिहाज से आपका स्टॉप लॉस और टेक प्रॉफिट भी बड़े होंगे। तो इस ट्रेंड लाइन पर से फॉर एग्जांपल अगर ये 430 रुपीज़ पर आप इसको शॉर्ट सेल करते हैं तो कम से कम 440 या फिर 438 रुपीज़ का आपका स्टॉप लॉस होगा। आपका जो पहला टीपी होगा वो 400 का और जो सेकंड टीपी होगा वो 390 का। इसी तरह अगर आप इस ब्लू एरो वाले सिनेरियो को फॉलो करते हैं तो इस वक्त जहाँ पर ये ठहरा हुआ है आप लोगों ने इसको यहीं पर शॉर्ट सेल करना है। आप लोगों का जो पहला टारगेट होगा वो 402 रुपीज़ और जो सेकंड टारगेट होगा वो 390 रुपीज़, पर आपका जो स्टॉप लॉस होगा वो इस ट्रेंड लाइन से ऊपर होगा, मेरे ख्याल में 435 या 436 रुपीज़ का होगा। ठीक हो गया, तो इन लेवल्स को और इन सिनेरियोज़ को जो मैंने अभी आप लोगों के साथ डिस्कस किए हैं इन पर आप लोगों ने लाजमी अपना फोकस रखना है। तो ये था बेसिकली एक शॉर्ट सा अपडेटेड एनालिसिस पाकिस्तान ऑयल फील्ड्स लिमिटेड यानी के पोल पर। तो देखते हैं कि जिस तरह प्रीवियस एनालिसिस को पोल ने हमारे फॉलो किया है तो क्या नियर फ्यूचर इन दो मूव्स में से भी किसी मूव को फॉलो करता है या नहीं करता। फिर इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में आप लोगों के साथ मुलाकात होगी, तब तक के लिए अपना ख्याल रखें, खुश रहें, अल्लाह हाफिज़, अस्सलाम वालेकुम।